आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। जिन्होंने ये किया खुदा उन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। आपको शिफा खाने जाना चाहिए। क्या आप ये सब नहीं जानती? ये चेहरा मेरे जख्मों के लिए मरहम की तरह है और ये आंखें तारीक रातों में रोशनी। मैं अपना हर दर्द भूल चुका हूं। मुस्कुराती रहो यूं ही। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है बेशक। कहाँ है अदा बाली? ये किसी किस्म की चाल तो नहीं? यकीन रखो मेरे शेख तुम्हें देख रहे हैं। सिपाहियों, इतने अरसे में तुम काफी बदल गए हो अदाबाली। आही आवरान के साथ जो नौजवान था वो काफी मुख्तलिफ था इस बूढ़े आदमी से जो मेरे सामने खड़ा है। देखने वाले पर मुनहसर है यानिस। मैं अभी भी इतना जवान हूं कि तुमसे लड़ सकूं। बूढ़ा इतना कि किसी भी वक्त मर सकता हूं। लगता है इन बातों का तुमको जरा भी फायदा नहीं हुआ। यहां तुम मेरे सामने खड़े हो। जो मैं चाहता हूं अगर तुमने ना दिया तुम्हें पता है ना तुम मरोगे। हक की राह में जो लोग मरते हैं वो अपने कातिल से ज्यादा जीते हैं यानिस। तो तुम हार नहीं मानोगे है ना? तुम्हारे अंदर के जंगजू ने तुम्हें बहुत जिद्दी बना दिया है अदाबाली। यहां तक कि तुम्हें दरवाजे पर खड़ी शिकस्त भी नजर नहीं आती। अल्लाह ने हमें जालिमों के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया है। फतह और शिकस्त उसी की तरफ से है। उसकी तरफ से जो भी आता है वो हमारे लिए मुबारक और मोतबर है। अफसोस, बेहद अफसोस, तुम अभी भी समझते हो कि मेरे कायम करदा निजाम को बदल दोगे। सिर्फ निजाम को ही नहीं, हम इस दौर को ही बदल देंगे यानिस। तुम्हारी जुल्म की ये सल्तनत तबाह बर्बाद हो जाएगी।
ये तू है सुलेमान शाह का पोता उस्मान। गौर से देखो इन्हें, सीखो इन जख्मों से, इनमें तुम्हें अपना कल जरूर दिखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से देख लो ये जख्म उस्मान साहब, इन्हें महसूस करो ताकि तुम्हें मजीद आग बढ़ के। इन तकलीफों और दुखों को बर्दाश्त करना, तकलीफ आए तो अपनी किस्मत को सलाम करो, उन्होंने जो किया इस चीज की तरफ इशारा है कि आगे क्या होने वाला है। भूलना मत, याद रखना। तुम कभी नहीं बदलोगे जब तक हम उस्मान और खजाने का इंतजार करते हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि तुमने इनकी तरबियत कैसे की कि ये तुम्हारे इतने वफादार हैं। दिल का ताल्लुक अल्लाह से होता है, यानी इस वफादारी की हकीकत को जान लेने के लिए उस रोशनी की हकीकत का देखना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर तक दाखिल हो गया, लोग तैयार किए, मगर तुमने उनका जिस्म और मैंने उनकी रूह ली। मुसलमान अब बिल्कुल भी मुत्तहिद नहीं रहना चाहते अदाबाली, इस रूह को परवान चढ़ाने पर यकीन करते रहो। मैं तुमसे लिए गए सोने से नई रूहों को परवान चढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे ही लोगों से कत्ल करवाऊंगा। हमारे पास ऐसे बहादुर हैं यानिस, जिनकी रूहें बहुत अनमोल हैं। न कोई ओहदा, न जगह और न ही कोई और दुनियावी चीजें। अल्लाह का जिक्र उनकी खुराक, शुक्र उनका लिबास और सब्र उनकी जंग है। जानते हो, तुम अपने शैतान के हाथ में खिलौने हो, तुम्हें इसकी खबर तक नहीं है। कभी मत भूलो, शैतान का पुराना नाम अजाजील था, जन्नत का सरपरस्त और फरिश्तों का उस्ताद। ऐसी ही तकदीर है तुम्हारी। तुम्हारी ये जन्नत की लालच और तुम्हारे गुरूर ने तुम्हें मलाउन कर दिया। अगर मैं जीत रहा हूं तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं हैरान हूं उस्मान तुम्हारे लिए इतना कीमती क्यों है। या तुम वो मुकद्दस लकड़ी की तलवार उसे देने का सोच रहे हो? तकदीर अपना जाल बुन रही है यानिस, उस्मान जैसे बहादुर तुम्हारे जैसों का अंजाम होंगे। उस्मान मेरा बेटा, मेरा बहादुर शेर।
अल्लाह तुम्हारे रास्तों को आसान और तलवार तेज धार करे। आमीन अम्मी जान, शुक्रिया। आमीन। तुम्हारी वजह से इस कबीले का तवाजुन बदल चुका है। अल्लाह की करम नवाजी है कि मुझे तुम जैसी औलाद अता फरमाई। आपकी खातिर मेरी जान कुर्बान बाबा। अदाबाली ने अपनी बेटी को कबीले भेजा है। उस्मान और शेख अदाबाली को आपने एक दूसरे से दूर रखना है, वरना नहीं बच पाएंगे हम मुसीबतों से। क्या उस्मान के खैमे में अभी तक मौजूद है? जी हाँ बाबा, मुझे डर है वो उस्मान से शादी करके यहीं न रह जाए। वो काई कबीले की तबाही होगी। चलो मेरे साथ चलो। ये सब बर्दाश्त से बाहर है। बहुत शुक्रिया आइबोके। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का, हमारे कबीले में अमन है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं अपनी जिंदगी में उस्मान की शादी देख लूं तो सुकून से मर सकती हूं। खैरियत तो है तुंदार साहब? मैंने सुना है कि बाला खातून यहां मौजूद हैं। इस हवाले से मैं उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। वो यहां पर क्यों आई हैं और वो कौन सी बात है जो अदाबाली हमको बताना नहीं चाहते? मुझे बताओ बेटी, तुम्हारे बाबा सिपाहियों तक कैसे पहुंचे? ख्वाब देखा उन्होंने। तो उन्होंने उन्हें ख्वाब में देखा। तो पहले क्यों नहीं देखा उन्होंने ख्वाब जब उस्मान फंसाया जा रहा था? हमें गिराने और उठाने वाला अल्लाह ही है। बाला खातून को इसी बात का इल्म है। क्यों, आपको ख्वाबों पे यकीन नहीं रहा? आप इस मसले पर बाबा से खुद बात कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस्मान साहब की हिफाजत फरमाई। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि वो वापस आ गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके साथ या किसी और के साथ दोबारा नहीं होगा? तुमसे पहले हम इस कबीले में अमन के साथ रह रहे थे। जब से तुम और तुम्हारे बाबा आए हैं, ये तमाम अफरा तफरी और बर्बादी अपने साथ इस कबीले में लेकर आ गए। चाचा जान, मैं बात कर रहा हूं उस्मान। मैं कबीले का सरदार, अब मैं जो कहने वाला हूं हर कोई जहन नशीन कर ले। मैं अपने कबीले का अमन बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मैं इस कबीले में दोगलापन नहीं चाहता। हमारे आबाओ अजदाद ने हमें हमेशा मुत्तहिद रहना सिखलाया। जिसने हमें बिखेरने की कोशिश की हमेशा नाकाम रहा। अब आप मजीद यहां नहीं रह सकती बाला खातून। अब बस बहुत हो गया। आपकी वजह से हम मजीद मुश्किलात नहीं चाहते। और जहां तक तुम्हारी बात है उस्मान, अगर तुम अदाबाली के साथ रहे तो हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि तुम्हारा साथ दें।
बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि मान जाओ। समझ गई धुंधार साहब, अल्लाह आप लोगों के कबीले से हर किस्म की मुश्किलात को दूर रखे। इजाजत दीजिए मुझे, चलो हुंचा खातून। उस्मान, तुम बहुत सी मुश्किलों से गुजरे हो, लेकिन याद रहे अब ये खुद को संभालने का वक्त है। अदब अली, उसकी बेटी और उसके दरवेश किसी सूरत इस कबीले के लिए भलाई लेकर नहीं आए। बाला खातून की इस कबीले में कोई जगह नहीं। चचा, क्या कहना चाहते हैं? हमारी तरफ आने वाला खंजर सोफिया की तरफ से शर काफिरों की तरफ से फैलाया जा रहा है। ना शेख अदब अली और ना ही बाला खातून इसमें शामिल हैं। वैसे भी उनका एहतराम फर्ज है हम सब पे। उस्मान, अब तुम राहें जुदा करने के करीब हो। इस खेमे और इस कबीले से तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। मैं लड़ूंगा नहीं, याद रखिएगा। अगर जरूरी हुआ तो काट डालूंगा। अच्छा रहेगा ये बात जहन नशीन कर ले। बाला खातून, बाला खातून, बाला खातून, क्या कर रही है ये? पूरी दुनिया इस वक्त तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा किसी के भी आगे। मुझे पता है उस्मान, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी वजह से मुसीबत में पड़े या किसी के घर में आग लगे। हम हमेशा मुसीबतों में ही घिरे रहते हैं। तुम्हारी हर मुसीबत में मेरी जान कुर्बान। बाला खातून कहाँ है? अदाबाली कहाँ है? सरजान खातून उनके पास हाथ मांगने जाएंगी तुम्हारा। आहियों के साथ गए हैं। आहियों के साथ गए हैं तो तुम यहां क्या कर रही हो, बताओ मुझे। बाबा को यही मुनासिब लगा था उस्मान साहब। बाला खातून, बताएं क्या छुपा रही है मुझसे? मैं ये नहीं बता सकती उस्मान साहब। बाला खातून, कैसे नहीं बता सकती? बाला खातून देखें, आप इस कबीले का मुस्तकबिल हैं। मैं आपको मजीद खतरे में नहीं डाल सकती। बाबा भी ऐसा नहीं चाहते। मुझे जाने दें अब, चलो। बाला, बताए बगैर नहीं जा सकती। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? आखिरी सब क्या हो रहा है? अगर सच नहीं बताया तो इस हदूद से कदम भी बाहर नहीं रख पाएंगे। बाबा को जब आपको पता चला तो मुझे यहां भेजा उन्होंने। आपके लिए वो खुद को कुर्बान कर देंगे मेरा ख्याल है।
नहीं, यानी कि वो यानिस। आपकी खातिर यानिस को खजाना वापस कर देंगे बाबा। ऐसा नहीं कर सकते, वो जानती हो कि वो कहां गए होंगे? मुझे खुद भी नहीं मालूम कहां है वो। जाते हुए उन्होंने जो कहा था वो दिमाग में गूंज रहा है। कहा जमीन से उठे हैं, जमीन की तरफ ही जा रहे हैं। कीचड़ अलग करो और खजाने तक पहुंचो। शेख अदाबाली, जान गया, समझ गया वो कहां होंगे। बाला खातून, उनकी फिक्र मत कीजिए, बाबा कहां है जान गया हूं मैं। कैसे? पहले मैं जाके शेख अदाबाली को काफिरों से बचाऊंगा, फिर उनसे रिश्ते का तकाजा करूंगा मैं। खुशियां हमारा मुकद्दर होंगी अगर अल्लाह ने चाहा। वाह वाह वाह, आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया दुंदार साहब। अफसोस अपनी कामयाबी को बिना संभाल सके। जब तक तुम इस खातून के साथ हो, तुम्हें कबीले में अमन नहीं मिलेगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरे घर को तोड़ना चाहेंगी आप। नहीं, मैं कबीले को बचाने की कोशिश कर रही हूं। सलजान भाभी, आप कबीले में बतौर मेहमान आई और आपको खुशामदीद कहा, लेकिन कबीले के कामों में दखलंदाजी मत करें। माजरत के साथ मजबूरन आपको वापस भेजना पड़ेगा। हाँ, जब तुम सरदार बनोगे उस वक्त किसी को काबू में रखने के लिए ढूंढ लेना। लेकिन ये मत भूलो कि तुम सरदार नहीं, सिर्फ सरदार के नायब हो। उस्मान कहाँ है मेघाला? वो भाग गए आका, और हमारे सारे आदमियों को भी मार डाला। हमला करो, सबको मार दो। या अल्लाह, you
जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। रुके, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर ले। अब देखें इसको, इस तरह ज्यादा अच्छा लग रहा है। वाकई खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह। उसी की घड़ी नसीब हो गई। कितने ही खतरात से लड़े हैं और कितने इम्तिहानों से गुजरे हैं, याद नहीं कितनी मर्तबा मौत के मुंह से लौटे हैं, लेकिन दिल इस तरह पहली बार धड़क रहा है। क्योंकि आपके दिल में मोहब्बत की आग जो भड़क रही है, इसलिए बाला खातून, अब सिर्फ खैर और अच्छाई ही आएगी, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सिलजान खातून बहुत जल्द यहाँ होंगी। या मेरे अल्लाह, हमारे दिल को सुकून पहुँचा दे। आप तो अपने बाबा के चमन का अनमोल फूल हैं बाला खातून, बहुत कीमती हैं आप। ये तो पता ही नहीं शेख उस्मान को हाँ करते हैं या ना। बाबा ने जिस खजाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, उसको उस्मान के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली, उस्मान के लिए उनका प्यार वासे है, वो बहुत खुश होंगे इस शादी से। ऐसा ही है, उस्मान की बहादुरी का जिक्र करते हुए तो शेख साहब की जबान नहीं थकती। यकीनन वो आपका हाथ उन्हीं को सौंपेंगे। अच्छा तो फिर ये तो बताएं, पहली औलाद बेटी होनी चाहिए या बेटा? मैं चाहती हूँ कि वो फर्ज शनास हो गुंचा, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, इंशाल्लाह मेरा रब बेहतर करेगा सब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी वजह से आपने तलवार उठाई और मौत से लड़े, शुक्रिया उस्मान बेटा। अगर कोई मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाले और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं, ये मुझे जेब नहीं देता अदाबाली। उन्होंने तुम पर तशद्दुद किया, वहां से तुम कैसे निकल आए? मैं उस अंधेरे से किसी और वजह से नहीं, आपकी ही रोशनी की बदौलत निकला हूं अदाबाली। महारत देखने में नहीं बल्कि तवज्जो में है बेटा। तुमने जो देखा वो रोशनी तुम्हारे अंदर है। इंशाअल्लाह ये रोशनी ओस के उफुक को रोशन करेगी। ये बताइए, ये रोशनी, ये नूर मेरे अंदर ना होने की वजह क्या है? शायद इसीलिए आपने उस दिन मुलाकात नहीं की मुझसे। मैं यूं ही वापस आ गया। उस दिन आपकी ये नाराजगी जख्मों से कहीं ज्यादा तकलीफ देती। हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए अदाबाली, शेख मोहतरम अदाबाली।
उस्मान, माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग अपने अंदर गलतियां ढूंढते हैं उन्हें अपने दिलों में सच मिलता है। तुम्हारा रास्ता साफ और नियत खालिस है। तुम्हें चाहिए कि अपने जौहर और रूह की हिफाजत करो बेटा। बाबा, आपके साथ ये किसने किया? उस्मान, उस्मान, तबीब को बुलाओ फौरन। मेघाला, मेघाला मारा गया बेटी। फिक्र मत कीजिए आका, हम इंतकाम जरूर लेंगे। क्या हुआ इन्हें? अदाबाली कहां है? उस्मान कहां है? अब हर चीज सामने आ गई है बेटी, अब सिर्फ खून ही खून का खेल होगा। आका यानिस, हवान ने अपनी बेवकूफी की कीमत चुका दी है। तुम्हारा क्या होगा सल्वाडोर? अब तुम अपनी नाअहले की कीमत कैसे चुकाओगे? ये हवान की बदकिस्मती थी कलानूस, लेकिन यहाँ कोलोजा हिसार में अनाड़ी लोगों की उम्र लंबी हो गई है। तुम कहना क्या चाह रहे हो सल्वाडोर? वही जो तुम समझ रहे हो कालानोस। जब मैं अपने आदमियों के साथ शिकार पे था तो उस वक्त क्या कर रहे थे तुम? खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझ में ताजगी आ गई। ये तुमने बनाया बेटी? मैंने ही बनाया है बाबा, आप लुत्फंदोज हो। ये तुम्हारी मरहूम माँ के गुलाब के शरबत की तरह है। अल्लाह उसकी कब्र को अपने नूर से रोशन करे इंशाल्लाह। उसने मुझे बहुत फर्मा बरदार और सालेह औलाद दी, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। आमीन। बाबा आप कैसे हैं? मैं तो पूछ ही नहीं सकी आपसे कि अब आपका क्या हाल है। उस्मान साहब महफूज हैं, खजाना भी महफूज है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। लेकिन उस्मान साहब ने भी बहुत मुश्किलात देखनी है, मेरा रब उसकी मदद करे। आमीन। बाबा आपसे कुछ कहना चाहती हूं मैं, लेकिन कैसे कहूं?
मेरा गुलाब चेहरा बेटी, शर्माओ मत, बताओ मुझे। उस्मान साहब, उस्मान साहब ने कहा है बताओ बेटी, उस्मान साहब ने क्या कहा है? सिलजान खातून को यहां भेजेंगे मेरा हाथ मांगने के लिए। قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين انتقام لیں گے ضرور لیں گے انہوں نے جو خون بہایا ہے وہ اسی میں ڈوبیں گے میرے بھائی ہمارے ساتھیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا ہرگز نہیں جائے گا शोहदा ने इस मिट्टी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है और इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है। और ऐसे बहुत से बाप हैं जिन्होंने अपने हाथों से कब्रों में दफन की अपनी औलादें। अधूरी रह गई हैं बहुत सी कहानियां। नहीं, 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 कोई ये ना सोचे कि जंग सल्तनत के लिए है। याद रखना, ये जाने जमीन के किसी टुकड़े या सल्तनत के लिए कुर्बान नहीं हुई। ये जंग हक और बातिल की जंग है।
बादल का खात्मा जब तक ना हो जाए कोई आराम से नहीं बैठेगा। हम आराम से नहीं बैठेंगे उस्मान, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक अल्लाह का दीन गालिब ना जाए। बेनियम रहेंगी ये तलवारें, बहुत हो गया। आज के बाद हमसे हर किसी को डरना चाहिए। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। खुशामदीद खातून। शुक्रिया जनाब, मैं शेख अदाबाली से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनसे कुछ अर्ज करना है। हजरत इस वक्त शहीदों के लिए दुआ कर रहे हैं, आप तशरीफ रखें। आखिर मैंने आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ही लिया, बताइए क्या वजह है इसकी, बताएं ताकि हम भी खुश हो सकें। सलजान ताई का मैं इंतजार कर रहा हूं, वो मेरे लिए बाला खातून का हाथ मांगने गई। अच्छा, अल्लाह खुशी दे, सब खैर के साथ हो। आमीन। उम्मीद है कि बाला खातून और उनके वालिद आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत ना बने, लेकिन एक बात सुन लें, जब से उनके कदम हमारे कबीले में पड़े एक नहुसत सी छा गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आए कुल, जो कुछ हो रहा है सिर्फ कलूजा हिसारिस की वजह है। अल्लाह कभी अदाबाली को दूर न करे हमसे। बाला की बात है जहां तक, उसको लेकर एक लफ्ज भी तुम मत कहना, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान हो। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। जानती नहीं थी कि मेरी खुशी आपके लिए कुछ नहीं, तो ये भी सुन लें, अलीशार साहब और मेरा निकाह होने वाला है। आई गुल, तुम एक मोती हो हमारे कबीले का, और तुम मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत में मेरी बहन रहोगी। अल्लाह नसीब अच्छा करे तुम्हारा, तुम्हें कभी कोई आंच ना आए। मेरी दुआ है खुश रहो सारी जिंदगी।
खुश आमदीद। आपके आने से खुशी हुई सुलजान खातून। शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें इस तरह देखकर मैं और भी खुश हो गई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मसाइल से निकले। शुक्र है, हम इससे भी बेहतर दिन देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। मैं यहाँ शेख अदाबाली से उनकी कीमती शय मांगने आई हूँ। आइए सुलजान खातून। मुबारक हो बाला खातून, अल्लाह तुम लोगों को जल्द से जल्द एक कर दे। इंशाल्लाह। आयकुल, क्या बात है, रो रही हो तुम? कुछ नहीं अम्मी जान। तो जो फिर आंखों में है उन्हें क्या कहोगी तुम, कहो अब। जानती हूं कि आप नाराज होंगी, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई हूं। उस्मान, हुआ क्या जो तुम इतनी उदास हो? मेरे साथ कुछ नहीं किया अम्मी। सैलजान खातून अदाबाली से मिलने गई हैं। खातून का सराय जाना हैरान तो कर रहा है, लेकिन तुम ही बताओ वहां क्यों गई हैं? बाला खातून उस्मान के लिए उसका हाथ मांगने गई हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह, उस्मान के चचा होते हुए भी ताई जान रिश्ता मांगने जाएंगी? अजीब सी बात है ये। बिला वजह रोना बंद करो, फालतू ख्वाबों की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। रोशन मुस्तकबिल है तुम्हारा मेरी बेटी। तुम एक मजबूत संजाग सरदार की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। जो कुछ उस्मान कर रहा है, अगर यही सब करता रहा तो मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं लाएगा वो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ना कि रोना। रानी बनकर रहोगी तुम। आखिरकार हमें इम्तिहान में कामयाबी हुई सुलजान खातून, अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे करीम हमारे दिलों को सलामती और इत्मीनान अता करे। आमीन। बेशक हम्द अल्लाह ही की है, लेकिन आपने जो किया उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। आपने उस्मान का ख्याल रखा, उसे दुश्मनों से बचाया, अल्लाह आपसे राजी हो। बहादुरों को अकेला नहीं छोड़ा जाता सुलजान खातून, बेशक कोई भी ना हो उनके साथ। अल्लाह की राह में जो लोग चलते हैं उन्हें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। हमने कुछ भी नहीं किया, हक की ऐसी मर्जी थी। उस्मान बेटा अपने ईमान के साथ खड़ा रहा और वो अपने अज़्म और यकीन के साथ बचा। हजरत, आपने उस्मान को बेटा कहा, हम बाला खातून को बेटी कहकर बुलाना चाहते हैं। बाला खातून एक बेहतरीन परवरिश और तरबियत पाने वाली साफ दिल लड़की है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसकी रोशनी से अपने कबीले को रोशन करना चाहते हैं। बहुक्म इलाही और नबी करीम की रजा से हम आपकी बेटी बाला का हाथ अपने बेटे उस्मान के लिए मांगते हैं। शुक्रिया खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ बाबा, इजाजत है मुझे? क्या बात है बेटी, आओ बैठो। हाँ बताओ। आपने जो सोचने का मुझे कहा था, मैंने फैसला कर लिया। आलीशार साहब से शादी के लिए तैयार हूं मैं। क्या ये तुम्हारा अपना फैसला है बेटी? तुम्हारी मां ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ? कोई ताल्लुक नहीं है बाबा, पहले कबीला है मेरे लिए। जानती हूं मैं, इस शादी से हमारी नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। लेकिन बेटी, और तुम्हारा मुस्तकबिल? मेरा मुस्तकबिल सिर्फ आपकी खुशी में है बाबा। अल्लाह तुम्हें खुशियां अता करे बेटी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत खुशियां और कबीले के लिए कामयाबी का बाइस बने। इंशाल्लाह। अपना घर खवातीन बनाती हैं और मर्द उसकी हिफाजत करते हैं। वाकई अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो ये मत भूलना कि शौहर की ताबेदारी तुम्हारा नस्बुलैन होना चाहिए। खुशबू अभी तक महसूस कर सकता हूं तुम्हारी। अगर एक ना हो सके तो जी नहीं पाऊंगा बाला खातून, मर जाऊंगा। हमारा रब अपने बंदों को शादी करने का हुक्म देता है, घर बसाना मुबारक होता है। शादी करने से बहुत सारी खुशियां आती हैं जिंदगी में। उस्मान साहब की कलाई मजबूत और दिल बेखौफ है। मैं जानता हूं वो एक बहादुर जवान और जबरदस्त जंगजू हैं। जहां तक बाला की बात है, उसकी अल्लाह के मकसद के लिए परविश हुई और वो मुसलमान खवातीन के सरबरा है। मैं भी चाहता हूं कि एक दिन उसका घर बसे, लेकिन शादी में तवाजुन जरूरी है। बिना तवाजुन के मसाइल पैदा होते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, उस्मान और बाला बराबर नहीं है। किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस पर राजी नहीं हूं सलजान खातून।
उस्मान बेटे, क्या तुम्हें भूख नहीं है? तुम्हारा खाना तो ऐसे ही रखा हुआ है। खैरियत तो है ना? मैं तुम्हारे दिल की धड़कन को अच्छी तरह सुन सकता हूँ उस्मान। जी बामची साहब, दिल के मामले भूख खत्म कर देते हैं। शादी पर मैं सबको दिखाऊंगा कि ये तलवार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। शिकारी आंखों वाले मेरे बहादुर उस्मान, तुम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, अपनी शादी का सोच रहे हो। खैर के साथ ये काम पूरा हो जाएगा। 40 भेड़ें कुर्बान करूंगा, इब्तदा से लेकर इंतहा तक मेरा दस्तरखान होगा। सामसा चाउश, काश के हमें तुम्हारी भी शादी देखने को मिले। इनसे मतुल जो कोनूर भाई, सामसा ने तलवार से शादी कर रखी है। खामोशी से अपना खाना खाओ, ज्यादा मत बोलो, पहले भी समझाया था। सिपाही अरकुत, तुम कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों? इसे छोड़े अब्दुर्रहमान गाजी, ये तो चाहता है कि हम सबकी शादी हो जाए और उसका खाना ये हड़प कर जाए। ताईजान, क्या हुआ है ताईजान? क्या हुआ है? उस्मान बेटा, शेख अदाबाली ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। वो इस पर राजी नहीं। मेरे पापा का फैसला यही है उस्मान साहब, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेटा मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ देर तन्हा रहने दीजिए। जो अपनी मोहब्बत के साथ नहीं होते वो भीड़ में भी तन्हा होते हैं बेटा। मैं यहां हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच सोच के मेरी सांसें रुकती जा रही हैं। उसके लायक मुझे क्यों नहीं समझते? ऐसा क्या गलत कर दिया जो उसके लायक नहीं हूं मैं? मसला लायक होने का नहीं है बेटा,
तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारे किरदार को शेख अदाबाली बहुत अच्छी तरह जानते हैं। असल मसला यह है कि अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने गुस्से के ताबे हो जाओगे या फिर इस मामले में अपना गुस्सा तर्क करके अकल से काम लोगे? बस यही बात है समझने की। लगता है मौसम सरमा सख्त होगा, ऐसे में गरीबों का ख्याल रखना है। क्यों ना उनके लिए पहले से ही कुछ सामान, जूते कपड़े वगैरह तैयार कर ले हम बाला खातून, ताकि वो मौसम की सख्ती को आराम से झेल सकें। आप देखिएगा ये सर्दी इंशाल्लाह ठीक से गुजर जाएगी। कुछ नहीं हुआ, मैं जली नहीं, फिक्र नहीं करूं। जल तो नहीं जली, लेकिन आप अंदर से राख जरूर हो गई हैं। बाला, जो भी होता है हमेशा आपके भले के लिए होता है। बस समझना यह है कि हजरत शेख के इस फैसले की हिकमत क्या है। मैं नहीं जानती कि आखिर क्या था उनके इनकार का सबब। मैं फकत इतना जानती हूं कि मेरा दिल सिर्फ उस्मान के लिए धड़कता है। अगर मुझे इंतजार भी करना पड़ा तो उम्र भर कर सकती हूं। सबर संगे मरमर की तरह ठंडा होता है। मेरे लिए उस्मान का इंतजार करना खुशी की बात है। जितना मैं उस्मान को समझी हूँ, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे वो आपको। कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे वो। भूख सी उठती है दिल में, ऐसा लगता है कि एक ही वक्त बर्फ की तरह मुंजमद हो गई हूँ और आतिश की तरह जल रही हूँ। मुझे क्या महसूस हो रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन बाबा के पास तमाम जवाबात हैं। मैं उनके पास जाकर बात करूंगी। खुश आमदीद मेरी बच्ची। शुक्रिया बाबा। लंबी हो गई हैं रातें, मैंने सोचा आपको भूख लग रही होगी। सही कहा। जीत रहो बाला। फायदा उठाने के लिए सही वक्त का होना अहम है। कुदरत का कमाल देखो, बादाम के दरख्तों पर सर्दियों में ही सफेद फूल खिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है बहार आ गई है। उन्हें धोखा हो जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों को शाखें समो लेती हैं
अब देखो, क्योंकि ये सही वक्त पर नहीं खिले, इसीलिए रात की ठंडक में ये जम गए हैं। वक्त एक अहम अंसर है दिल के मामले में बेटी। ताजा पत्तों और खुशबू की हिफाजत करो बेटी, क्योंकि मैंने इन्हें बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। सर्द हवाओं से अपने फूलों को बचाओ, बर्बाद होने से दूर रखो। उस्मान से मिलो तुम, ये मैं नहीं चाहता। जान लो, बाला क्या हुआ है? बाला तुम्हें क्या हुआ है? बाबा ने उस्मान से मिलने से मना कर दिया है मुझे। वो अपने जहन में किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं गुंजा। वो फैसला कर चुके हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और एक जवान मर्द आदमी था। अल्लाह ने उन दोनों का सामना एक हिरन के बहाने किया। पहली ही झलक में दोनों एक दूसरे के तीर नजर का शिकार हो गए। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं बेटा, उन्होंने बेशुमार परेशानियों का मुकाबला किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, एक मर्तबा भी नहीं। उस मोहब्बत को जिंदगी मिल गई और शेर जैसे तीन बहादुर बेटे पैदा हुए, गुंदुस, साउची और तुम मेरे बच्चे। अब अगर तुमने अपना चेहरा लटकाए रखकर बेकार में खुद को परेशान किया तो तुम कैसे मिलोगे, बताओ मुझे। ये दिल मेरा मैदान है जंग है, मेरी मोहब्बत एक कदम दूर है लेकिन उसे पा नहीं सकता। ये कोई गुस्सा नहीं है और हिर्स भी नहीं, सिर्फ उसके ना मिलने ने दीवाना कर दिया है।